हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और मैं आपके साथ हूँ आपकी टीचर दीक्षा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 को रीड किया है। आपके चैप्टर 7 का नाम है पौधों को जानिए। ठीक है, वो लेसन बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। लास्ट वीडियो में हम इसको हाफ कर चुके हैं। ठीक है, शाख, झाड़ी, वृक्ष क्या होते हैं ये हमने जान लिया है। उसके आगे हमने कुछ एक्टिविटीज करके देखी है कि किस तरीके से तना जो है पानी को पौधे के ऊपर तक पहुंचाता है, टहनियों तक पहुंचाता है, उसकी पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, फिर हमने पत्ती के बारे में भी पढ़ लिया कि पत्ती का क्या काम होता है, प्रकाश संश्लेषण किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जड़ों के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जड़ों के बारे में। जिस भी बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, पीछे का लेसन पढ़ने के लिए आप वो वीडियो को देख लें। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं आगे जड़। फिगर 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहेली और बूझो से कौन से अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों। तो ये दोनों देखो, पौधों को जल दे रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा ठीक तरीके से पौधे को जल दे रहा है। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है, आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा इस भाग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब देखें कि हम पौधों की पत्तियों को पानी देना चाहिए या पौधे की जड़ों को पानी देना चाहिए। ठीक है, तो ये अब हम किसे सीखेंगे, एक्टिविटी 6 से। एक्टिविटी 6, आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैची एवं जल। यह एक्टिविटी 4 और 5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए, मतलब आपको 4-5 बच्चों के ग्रुप में इस एक्टिविटी को करना है। बगीचे में किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। देखो, ये हमने 2 पौधे लिए, इसकी जड़ें आपको दिख रही है ना, इसको जड़ों के साथ गमले में लगाया गया, इसकी जड़ों को काट के गमले में लगाया है। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए, मतलब इनको ऑब्जर्व कीजिए, इनको देखिए क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया है, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। अब करेंगे एक्टिविटी 7। तो एक्टिविटी 6 से हमने क्या सीखा कि जो जड़े, अगर हम 2 पौधे लगा देते हैं, हर एक की जड़ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो पौधा सूख जाएगा। जो जड़ का काम है ना, वो है मिट्टी से पानी को अवशोषित करना। ठीक है, और फिर तना क्या करता है, उस अवशोषित किए गए पानी को ऊपर टहनियों तक, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहां हमने एक काम समझ लिया, जड़ का क्या काम है। अगर जड़ के बिना आप किसी पौधे को लगाते हो तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 7, आवश्यक सामग्री। इसमें क्या क्या है, मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी और जल। 2 कटोरियां लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। 1 कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रख दीजिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए, जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, इसको अंकुरित चने बोलते हैं ना। मोस्टली सभी बच्चों ने देखे होंगे कि रुई की हेल्प भी ले सकते हैं और विदाउट हेल्प भी इनको इस तरीके से अंकुरित कर सकते हैं। ठीक है, आप चने को भिगो के रखें, नेक्स्ट डे उसको निकाल के पानी से और साफ करके किसी अच्छे कपड़े में लपेट के रख दें, उससे नेक्स्ट डे जो है आपके जो चने हैं वो अंकुरित हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच जाता है, क्यों। एक्टिविटी 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, आप कभी भी किसी पौधे को निकाल के देखना, वो उसने अपनी जड़ें जो है वो मिट्टी में घुसाई होती है, बहुत अच्छी तरीके से उसने मजबूत पकड़ बनाई होती है मिट्टी के अंदर, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती में जमाए रखती है, इन्हें मिट्टी के पौधे को स्थिर कहा जाता है। ठीक है, तो जड़ों का दूसरा काम क्या आ गया बच्चे, कि वो पौधों को क्या देती है, मजबूती देती है। ठीक है ना, आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों में भी विविधता पाई जाती है। आप हमने पीछे वाले लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि पत्तियां जो होती हैं वो अलग अलग डिजाइन्स की होती हैं, सभी पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो अलग अलग प्रकार की, आकार की, रंग की, सब उनमें विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार तना भी अलग अलग होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का पतला होता है। तो इसी प्रकार से क्या पूछ रहा है, अब हमारा नेक्स्ट क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी में हम क्या जानेंगे कि क्या जड़ें भी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग पौधों की जड़ें अलग अलग दिखाई देती हैं। एक्टिविटी 8, ऊपर हमने फिगर में देखा 7.16 एंड 7.16 के ए एंड बी आपको दिखाते हूँ मैं ऊपर, कि ध्यानपूर्वक उनका परीक्षण कीजिए, उनको देखिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए, क्या यह चित्र सेम नहीं है। मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं, जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का के जड़ों में क्या समानता है, वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं, आइए अब इसका पता लगाएं। ये देखिए, ये आपको फिगर दी हुई है, ये है मक्का,
ये इसकी जड़ें इस तरीके से निकली हुई हैं और ये है आपका चना और इसकी इस जड़ें इस तरीके से, तो दोनों दिखने में बिल्कुल अलग है ना। तो क्या हो जाएगा कि दो प्रकार की तो हमें यहाँ से पता चल गई कि हाँ वैरायटीज तो होंगी, तो अब नेक्स्ट हम इनसे भी ज्यादा होती हैं या ये दो ही प्रकार होते हैं, अब इसको जानने के लिए अब हम करेंगे बच्चे एक्टिविटी 9। खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें, या तो नीचे मैं दिखाऊंगी आपको कि वो किस किस प्रकार की हैं, दो प्रकार की जड़ें आपको नीचे दिखाई गई हैं। जिन पौधों की जड़ें ए तरह की हैं उनको हम मूसला जड़ बोलेंगे और छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ बोलेंगे। जिन पौधों की जड़ें इसके समान हैं उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें जकड़ा जड़ या रेसेदार जड़ कहा जाता है। एकत्रित किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में छांटिए। मूसला जड़, देखो ये दो खरपतवार हैं, इनकी दो तरह की जड़ें हैं, ठीक है। तो ये जो जड़ें हो जाएंगी, ये वाली, ये कैसी जड़ें हो जाएंगी बच्चे? मूसला जड़, ठीक है। और ये जो बहुत तरीके की हो जाएंगी, ये कैसी हो जाएंगी? रेसेदार जड़। ये सभी समान दिखाई देती है, इनमें से कोई मुख्य जड़ नहीं होती, अपने आप में या तो सब मुख्य हैं या फिर इनमें कोई भी नहीं है। और ये देखिए, ये एक मोटी आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी मुख्य जड़ हो जाएगी और ये इसकी छोटी जड़ें हो जाएंगी। आ गया समझ? तो इसको हम बोलेंगे मूसला जड़ और इसको हम बोलेंगे रेसेदार या झकड़ा जड़, ठीक है। पौधों को समूह ए में तथा रेसेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिराविन्यास किस प्रकार का है? समूह बी के पौधों की पत्तियों को शिराविन्यास किस प्कार का है, ठीक है। बुझो एन पहेली जो आपके क्लासमेट्स है ना, तो अब बुझो क्या चाहता है कि बुझो के मस्तिष्क में एक अजीब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी तो उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकते हैं या नहीं, ठीक है। जिस प्रकार से बूझो और पहली के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ना लेसन पढ़ के, इस तरीके से आपके सामने भी आने चाहिए। आपको भी अपने टीचर से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है। जितने ज्यादा क्यूरियस आप होते हो, जितनी ज्यादा पूछने की इच्छा आपकी होती है, उतने ही ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया है कि क्या मतलब, सही क्वेश्चन है ना कि अगर बहुत ही बड़ा पौधा हो जाएगा तो आप उसको कैसे उखाड़ेंगे? नहीं उखाड़ सकते, तो उसकी पत्ती, उसकी जड़ों के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे? तो ये कह रहा है क्या उसकी पत्तियों के को देख करके हम उसकी जड़ों के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो उसकी जड़ कैसी होगी, मूसला जड़ होगी या रेसेदार जड़ होगी। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार 7.2 में सही तरीके से भर सकते हैं? पीछे जो हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टेपियोको आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। तो बच्चे ये चीजें जो है ये आपको जाननी बहुत जरूरी है कि जैसे गाजर है, गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम ये जड़ हैं, ठीक है ना, ये जड़ हैं। आलू जो है वो तना है, होता वो भी मिट्टी के अंदर ही है, उसको मिट्टी के अंदर से ही निकाल के खाना होता है। गाजर को भी मिट्टी के अंदर से निकाल के खाना होता है, ठीक है ना। तो अब मैं इनके लिए आपको एक हिंट देती हूँ कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सी सब्जियां तो जड़ है, उनको हम जड़ के रूप में खाते हैं, और कौन सी सब्जियां जो है वो तना है, उनको हम तने के रूप में खाते हैं। देखो गाजर होती है, ठीक, तो गाजर की शेप कैसी होती है? स्पैन के जैसी होती है ना, ऊपर से ऐसी मोटी होगी और ये इस तरीके से जमीन के अंदर गड़ी हुई होती है, ठीक है, उसको हम ऐसे निकालते हैं, ठीक। मूली भी ऐसी होती है, नीचे से पतली होती है, ऊपर से मोटी, और वो इस तरीके से जमीन के अंदर होती है। तो जो भी चीजें इस तरीके से जमीन में होती हैं, नीचे से जो तिकोनी जिनकी शेप होती है, नुकीली शेप जिनकी होती है नीचे से, वो होती है बच्चे जड़ें। अब है आलू की बारी। आलू कैसा होता है? गोल मटोल, और वो मिट्टी के अंदर बिल्कुल गोल शेप में अंदर दबा हुआ होता है, ठीक है ना। तो जो गोल शेप में होते हैं, जो नुकीली शेप में नहीं होते, उसके अलावा सभी क्या है आपके? तना, ठीक है, उसको हम तने के रूप में खाते हैं। आई थिंक ये हिंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि क्या समझ नहीं आया। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा सेम कार्य कर सकता है? चित्र में लिखिए कि तने में कौन सा पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? जड़ और तना, अब हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। गुलाब के पौधे के तीन आरेख आपको दिए हुए हैं, देखो ये फर्स्ट ए बी एंड सी दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधे की भली भांति पहचान कर सकते हैं और क्यों? पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा, ये देखो बच्चे, ये आपको गुलाब है तो तीनों ही गुलाब, लेकिन ये देखो सिर्फ एक
हमें क्या दिख रही है, शाखा टहनी दिख रही है, इस पे कुछ पत्तियां हैं और इस पे पुष्प लगे हुए, तो हम ये वाला पौधा देख के बिल्कुल डेफिनेटली श्योर होकर बता सकते हैं ना कि हाँ ये गुलाब का पौधा है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पहचान किससे हुई, फूलों से। अमरूद के पुष्प भी देखे होंगे, क्या वे चटकीले हैं, आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। तो हमें क्या पता चलता है कि घास, गेहूं, मक्का, आम, अमरूद, इनमें से हमने किस पे पुष्प देखे हैं और क्या वो चटकीले होते हैं। ठीक है, तो अब हम किस में देखेंगे, एक्टिविटी 10 में आवश्यक सामग्री क्या क्या होगी, एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के दो पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल। ये देखो बच्चे, ये जो होता है, आपने गुलाब का फूल आपने जरूर देखा होगा, ये देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम बाह्य दल। ठीक है, और ये जो खुलने के बाद इस तरीके से शेप आ जाएगी उसको आप क्या बोलोगे, पंखुड़ियां। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है, यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहां बंद थी, कली का प्रमुख भाग कौन सा है, क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्य दल हैं, क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं, बाह्य दल एवं पंखुड़ियां किन रंगों की हैं, आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं, क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग या संयुक्त हैं। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी परीक्षण सारिणी 7.3, ये ऊपर आपको टेबल दी हुई है, 7.3 में लिखिए, विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने परीक्षण इस सारिणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम दो कॉलम भरने के लिए इस परिच्छेद को पूरा पढ़ लें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे, जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वो स्वतंत्र हो, उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य। ये देखो इधर आपको घंटाघर पुष्प दिखाया गया कि वो इस तरीके से होता है। घंटाघर पुष्प की पंखुड़ियों की लंबाई में काटकर आप पुष्प की आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। ये हटाने के बाद ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिखेगा ना। तो ये जो होता है ये यहां से ये होता है आपका स्त्री केसर, ठीक है, ये होता है पुंकेसर, बिल्कुल यहां तो होगा स्त्री केसर और ये किससे होगा, पुंकेसर। तो ये होते हैं दोनों पुष्प के भाग। इस फिगर को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। ध्यानपूर्वक देखने के बाद इसके विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं, अपने पुष्प के पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए, एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। ये देखो पुंकेसर के भाग दिखाए गए हैं, ये होता है परागकोश, ठीक है ना, पुंकेसर का ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, परागकोश, और ये क्या हो जाएगा, तंतु। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं, यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर को हटा दीजिए। ऊपर आपको जो 7.24 दी हुई है उसकी सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए, अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखो अब मैं दिखाती हूँ आपको स्त्री केसर का, यह है स्त्री केसर, ठीक है, इसको बोलेंगे वर्तिका, सबसे ऊपर का भाग हो जाएगा वर्तिक्राग, ये हो जाएगा अंडाशय, ठीक है, तो ये स्त्री केसर के भाग ये है आपको। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 11, आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है, इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय का किस प्रकार की अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, तो ए और बी देखो, ये स्त्री केसर लिया दो तरीके से, एक तो इसको बीच से काट रहा है, ठीक है, एक इसको इस तरीके से बीच से काट रहा है, ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके अंदर बीज किस तरीके से होते हैं। ये देखिए ये ऐसे काट लिया और ये इसके बीजांड है, बीज है इसके, ठीक है, ये देखो बीजांड, ओके, आगे सही से समझ। अलग अलग पुष्पों से दो अंडाशय लीजिए, आप अंडाशय का एक स्लाइड और एक प्लेट के चित्र के अनुसार रखकर उसे दो प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक सेक्शन पर जल की बूंदे डालते रहिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आर्थिक संरचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है, इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय तथा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें।
नोटबुक में जो कुछ अपने सारणी 7.3 में लिखा उनके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भी भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनमें से अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हों? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकता है। आपने पत्ती एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है? तो बच्चों, ये था आपका लेसन 7, पौधों के बारे में जानिए। हमने कंप्लीट तो हम नहीं जान पाए जो आपकी बुक में दिया गया है कि पत्तियों का क्या काम है, जड़ का क्या काम है, तने का क्या काम है, पुष्प किस प्रकार के होते हैं, ठीक है? ये सब हमने जान लिया है। आई होप कि आपको लेसन 7 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है? कल की वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स, ठीक? तो क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आपको ये वीडियो देखनी जरूरी है, बिकॉज आप फिर जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको सब क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल इजी लगेंगे। 13 क्वेश्चन आंसर लेसन में गिवन है। आपका लेसन भी काफी बड़ा था, इसी हिसाब से आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ज्यादा है। तो वो कल की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक आप लेसन को रीड करें, अच्छे से सुने और इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो अपने नोटबुक में राइट डाउन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।